राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये देखने गए थे बिछिया, आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है और आज थोड़ी सी तबीयत ठीक है। और गर्मी कल भी बहुत ज़्यादा थी, आज भी है। बाहर थोड़ा सा आज ठंडा लग रहा है, कल तो बाहर भी नहीं ठंडा लग रहा था। और ये बिछिया देख रहे थे, सिर्फ ये एक एक वाले बिछिया हैं बड़ी बड़ी, तो इसमें से कौन सी बिछिया मम्मी ने ली, मम्मी के लिए लेना था, तो उनको कौन सी पसंद आती हैं अभी हम लोग देख रहे हैं। तो वो बोल रही थी बड़े नग वाली, देखो ये, तो अभी आप लोग को दिखाएंगे कि कौन सी ली हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज सुबह सुबह का टाइम है, आज सुबह के टाइम में उजाला शायद ज़्यादा आ रहा है, देखें। और आज सुबह के टाइम में छत पे झाड़ू लगाना था, पता नहीं तबीयत तो थोड़ी सी ठीक लग रही, लेकिन जैसे बोलने में जब बोलते हैं तो थक जाते हैं, बोलने में ही पता नहीं क्या है, अभी दिक्कत तो है थोड़ी सी। तो सुबह के टाइम में झाड़ू लगाई थी छत पर, और उसके बाद में बेडशीट भी सारी निकालना था, बेडशीट निकाली, बेडशीट धुली है और धुल के सुखाने के लिए फैला के आए, और चाय फिर नहाना धोना और फिर चाय बनाई। अब दोबारा चाय बना रहे हैं और अब हो चुके हैं 8:30 से ऊपर। अब 8:30 से ऊपर का समय हो गया है। छोला शाम को सोच रहे थे, रात में बहुत रात में याद आया, फिर हमने कहा नहीं छोला भिगोना था, लेकिन भूल गए भिगोना, तो इतने टाइम छोला भिगोए हैं, छोला और चावल और रोटी। अगर बच्चे कहेंगे तो पूरी बना देंगे, नहीं तो रोटी बनाएंगे। और मम्मी बात कर रही, मम्मी की आवाज़ आ रही होती, मम्मी भी पूजा पाठ सब हो गया है, तो अभी तो थोड़ी सी या तो खिचड़ी बना लेंगे तब तक, जब तक ये छोला भीगते हैं, फूलने लगे हैं कि गुनगुने पानी से भिगोए तो फूलने लगे हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए। और काम तो बहुत हो जाता है, लेकिन जो हो जाए, और सुबह ज़्यादातर काम हो जाता है, और जब मन अच्छा होता है तो काम का पता ही नहीं चलता कब काम हो गया, और जब मन नहीं अच्छा होता है तो फिर छोटा छोटा काम भी बहुत बड़ा लगता है। और कल हम बात कर रहे थे कि बहू की, लेकिन हमेशा सास ही गलत नहीं होती है, बहू भी कभी कभी गलत होती है। क्योंकि अगर हम किसी से, अगर दिल से भी मन से भी प्रेम करते हैं उसको नहीं बताएंगे, फिर भी अगर हम मन से किसी से प्रेम करते हैं तो उसको मन के जो आंखें होती हैं, मन की आंखों से पता चल जाता है कि वो हमें आभास होने लगता है कि वो हमें कितना प्रेम करता है, कितना मानता है। तो हमेशा सास ही गलत नहीं होती है, बहू भी कभी कभी गलत होती है, बहू भी बहुत ज़्यादा, जैसे सास अगर बहू का थोड़ा सा चल गया शासन तो सास पे जुल्म ढाती हैं, और सास का चल गया तो बहू पे जुल्म ढाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी है सही है, और अपनी हद में रह के काम करें, अपनी हद में रह के तभी अच्छा होता है सबके लिए, नहीं तो कला कलेश होता है घर में और झगड़े भी होते हैं कहीं कहीं, चाहे सास हो चाहे बहू हो, फायदा उठाया जाता है उसका, उसकी अच्छाई का फायदा उठा लेते हैं लोग, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। और बाबू अभी उठे हैं, बाबू को बहुत उठाया, उठाते उठाते परेशान हो गए, लेकिन अब उठे हैं, तो अब बाबू कुछ नाश्ता करेंगे और हम लोग पियेंगे जाके चाय, हम और मम्मी दोनों लोग। चाय बन के हमारी तैयार हो गई इधर।
और यहाँ पर बन रही है चाय हमारी। यह सुबह की ही चाय है क्योंकि चाय ये दोबारा बनाई है नहाने के बाद में। पहले तो एक बार बिना नहाए चाय पी लेते हैं और उसके बाद में आज अब नहाने के बाद में चाय बनाई है। और एक कप में मम्मी के लिए निकालेंगे और अपने लिए थोड़ी सी बाबू मांग रहा है, वो केवल बिस्किट खाएगा। बाबू एक बिस्किट खाएगा सिर्फ। तो ये चाय हम लोग पियेंगे जाके। मम्मी यहाँ पे बैठी हैं, हंसी मजाक कुछ कर रही थी बाबू से। तो बाबू अभी लेने गए हैं अपने लिए ब्रेड खाएंगे, तो ये ब्रेड लेके आ गए। कल ये लोग लाए थे उसमें से थोड़ी सी बची थी तो वही सेक के दी है, घी लगा के इसको सेक के दे दी। ये बिना सेक के नहीं खाते हैं, ये सब ब्रेड खाएंगे तो सेक कर ही खाएंगे। तो चाय पीने के बाद में फिर हम लोग ने खाना बन गया था, फिर खाना हम लोगों ने खाया और उसके बाद में हम लोग आराम करने के लिए गए। पहले तो छोला बना करे, बाद में छोला नहीं बनाइए फूल दे रहे थे रिद्धि हमें। और यहाँ पर बाबू से कुछ काम के लिए बोल रहे थे, बाबू ने काम नहीं किया और जब काम नहीं किया तो हम नाराज़ हो गए। तो इसलिए ये मनाने के लिए कान में कू कर रहा है ज़बरदस्ती। हमारे कान में गुदगुदी होती है तभी इसको करना है कू। और इसीलिए कान में, जिस कान में कू कर देता है उस कान में एकदम खुजली होने लगती है। कान में इसने कू कर दिया है और वो सॉरी सॉरी बोल रहा है कि सॉरी अगर माफ़ कर दोगी नहीं तो कान में कू करेंगे। बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है इसने, शैतानी भी करता है फिर तुरंत तुरंत माफ़ी भी। तो इसके बाद में ये देखिए ये वाली बिछिया लाए थे, ये बड़ा सा नंग है एक एक रखा है। और ये बिछिया भी बड़ी बड़ी, मम्मी एक ही पहनती हैं, पहले सोचा लाओ दो 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 ले लें, लेकिन फिर मम्मी कहने लगी कि दोनों एक जैसे पहनना पड़ेगा, उनके पास बहुत दिनों तक चलती भी हैं तो इसलिए फिर एक ही एक लाए, ज़्यादा नहीं लाए। हमारे पास बिछिया नहीं ज़्यादा चलते हैं, एक साल के अंदर अंदर टूट जाते हैं, एक साल तो चल ही जाते हैं। तो यही बिछिया लाया था, ये रिद्धि ने सजाया था, ये फूल लाई पाली हाउस से। तो ये सजाया था कि हाँ दिखाएंगे, उस इधर चोटी कर रही हैं सेजल मम्मी की। तो चलिए फिर मिलते हैं, यही छोटा सा आज का वीडियो था। चल कल मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।